नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आज बिसरू और गुबराड़ी के बीच के जिस खेत में, जिस लोकेशन पर, जिस रोड के किनारे पर उस सकूनत का मर्डर किया गया था, जिन्हें इस तरीके से कत्ल किया है दोस्तों कि आज तक इस सीमा के अंदर तो क्या पूरे मेवात में इस तरीके से किसी का कत्ल नहीं देखा जिस तरह दोस्तों यहाँ सुनने को और देखने को मिला। आपकी जानकारी के लिए बता देते दोस्तों, इतने शातिर थे वो लोग, जो हमें सूचना मिली है वो ये है कि हतीन से पलवल, पलवल से हतीन का जो बांश मोहल्ला है वहाँ पे उसकी लोकेशन पाई जाती है, फोन स्विच ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन सबूत मिटाने की नीयत से उन्होंने शातिराना अंदाज में इन दो गांवों के बीच इस खेत के अंदर उसका मर्डर कर दिया। वो काली रात थी, वो चांदनी रात भी थी। दरअसल उस दिन चांद का इतना उजाला था, लेकिन काली रात इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि उस रात के अंदर एक बहन का कत्ल किया जा रहा था उस चांद की रोशनी में। दोस्तों समय था करीब 11 बजे, लेकिन आज वो चश्मदीद गवाह मैं सामने लेकर के आया हूं जिन्होंने सबसे पहली बार बिसरू गांव के अंदर वो रोने की आवाज़ सुनाई दी बच्चे की और उस महिला की चीखों पुकार सुनाई दी थी जब वो जान बचाने की भीख मांग रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोबारा से मरम्मत किया गया है, इसकी छटनी की गई है। ये वो कुआ है, अक्सर बच्चे यहाँ पे बैठते हैं और इस वाल पर नहा करके यहाँ पे कपड़े वगैरह बदलते हैं, और आजकल के गांव के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उनकी आदत होती है हंसी मजाक करने की। तो इसलिए जिनको उस महिला की चीखों पुकार सुनी थी तो उनको ऐसा लगा था कि शायद दो तीन गांव के बच्चे यहाँ आकर के नहाते हैं, तो ऐसा तो बहम था ही नहीं कि किसी बहन का यहाँ पे कत्ल किया जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको टीवी दिखा रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ एक किला दूरी पर ये टी है जिस जगह शकुनत का कत्ल किया गया था। ये देखिए यहाँ पे लोग इस तरह से पानी पीते हैं, नहाते हैं, और ये कुइया है जहाँ पे बैठ के आराम करते हैं, अपने बोलते हैं बतलाते हैं, ये वो लोकेशन है। अभी दोस्तों मेरे पास सिर्फ एक जगह और बची है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ दूरी पे एक घर है, यहाँ पर एक कुइया है और एक वाल लगी हुई है। अक्सर बच्चे 10 बजे 9 बजे तक यहाँ पे नहाते हैं, जो नौजवान है, किसी का रिश्तेदार आ जाता है वो भी नहाने आ जाता है इस नहर की पटली पर, इसलिए इनको ज़्यादा बहम नहीं था। और कुछ दिन पहले एक और हत्या यहाँ पे देखने को मिली थी, यहाँ से थोड़ी महज दूरी पर, इस नहर के परले छोर पर। तो इसलिए कुछ लोग, भाई चुप रहो, इसलिए कुछ लोग यहाँ डरते भी हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ से कुछ दूर यानी कि 500 मीटर दूर एक फार्म है और एक चाय का खोखा है। उनको एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है हल्की फुल्की, तो वो चौंक जाते हैं, वो लाठी निकालते हैं, वो घर से बाहर रोड पर आ जाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं वो कि उनके कानों में एक महिला की आवाज़ सुनाई देती है, एक दो बार ही सिर्फ आवाज़ आती है, कोई हो तो बचाओ इस तरीके से। तो इनको और भी शक हो जाता है जब ये लाठी लेकर के इस लोकेशन की तरफ, इस आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं देखने के लिए। तो ये क्या दृश्य देखते हैं, दो बाइक सवार आते हैं बड़ी तेज़ रफ्तार से। पहली बाइक पल्सर होती है, पल्सर बता रहे हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं पता है कि वो 150 में थी या 180 में थी या 120 में थी, मगर पल्सर बता रहे हैं। नंबर नहीं लिया गया, इन्होंने रोकने की कोशिश की तो उस बाइक सवार ने बाइक की जो गति थी और तेज़ कर दी थी और वो जैसे तैसे फड़ाक से वहाँ से निकल गया। लेकिन उसके बाद 200 मीटर दूरी पर एक बाइक फिर आई जिसपे तीन लोग थे, तो इन्होंने उनको लाठी के सहारे से रोक लिया और उनसे सवाल किया कि तुम कहाँ से, बोले कि हम तो पीछे से आ रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इनके मनोवर्जन लिए हैं, वो भी यहाँ से इनको चकमा दे करके चले जाते हैं, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि वहाँ पर किसी का कत्ल हो रहा है। ये सिर्फ सोच रहे थे कि शायद किसी का झगड़ा वगैरह हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक दो घर और भी हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं वो ज़मीन दिखा रहा हूँ जिस जगह उस बहन का कत्ल हुआ। वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही, लेकिन उसको बचाने वाला कोई कमबख्त यहाँ नहीं आया। हालांकि ये रोड है, हर 20 मिनट आधे घंटा बाद कोई ना कोई बाइक सवार यहाँ से रात में भी गुजरता रहता है, लेकिन उस दिन उसकी किस्मत का, उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए कोई कमबख्त यहाँ से नहीं गुजरा। और जो बाइक सवार गुजरे थे वो खुद कातिल थे, वही कातिल थे जो इस जगह से भाग करके बिसरू की तरफ गए, लेकिन आगे कहीं कोई इनपुट नहीं मिला कि वो किस रास्ते से गए, किस रास्ते से नहीं गए। हालांकि ये जो बंदे थे जिन्होंने देखा, बेचारे सीधे साधे भोले भाले हैं, गरीब आदमी, इसीलिए तो यहाँ पट्टों में रहते हैं, सरकारी ज़मीन पर। तो दोस्तों ये वो लोकेशन थी, यहाँ पे वो बच्चा था, यहाँ पे वो माँ थी उसकी, जिसको कत्ल कर दिया गया है।
तो दोस्तों पुलिस प्रशासन से यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी ये मांग है कि हमारे गांव की सीमा में जिस तरीके से सातिर अंदाज में उस बहन का कत्ल किया गया है, सबूत मिटाने की नीयत से हतीन से पलवल से ला करके इस सीमा में मर्डर किया जाता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाए और बहुत जल्दी जनता के सामने इसका पर्दाफाश किया जाए कि कितने लोग इसमें शामिल थे और क्यों उसका कत्ल कर दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल ये वही लोकेशन है जिस जगह पर शकूनत का कत्ल किया गया था। अभी आपको मैं उस घर में लेकर चलता हूँ। यहाँ से करीब 5 किलो दूर एक और घर बना हुआ है जिसे फरदड़ी या गुबराड़ी का बताया जाता है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा क्या उनको कोई आवाज़ सुनाई दी थी या फिर वो भी सो रहे थे या जान पूछ कर यहाँ नहीं पहुँचे। आइएगा। ये लास्ट घर है इस जंगल में। ये गुबराड़ी और बीसुर के बीच की जो एक नहर के ऊपर जो पुलिया है, ये पुलिया को क्रॉस करने के बाद यानी गुबराड़ी की सीमाओं में है। लगभग 500 मीटर दूर ये घर बना हुआ है जहाँ पे शकूनत का कत्ल हुआ था। अभी मैं आपको इस घर के अंदर लेके चलता हूँ, इनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। कुछ इन्होंने भी रात में सुनाई दिया था या फिर ये भी गहरी नींद लेकर सो रहा था। बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने जंगल में आके खेतों में उन्होंने घर बनाए, लेकिन उनका घर बिल्कुल जस्ट रोड के सहारे है। तो इनसे दो बात करना बहुत जरूरी, हर बात से लगभग 400-500 मीटर दूर इनका घर है। हो सकता है इनको भी कोई चीज़ों पुकार की आवाज़ सुनाई दी हो, क्या सच्चाई यहाँ से इस घर से निकल कर आती है वो जानते हैं। हरीश भाई तबियत ठीक आपकी? सकूनत बहन का कत्ल हुआ था आपके घर से महज ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर दूरी पे कत्ल हुआ, और आपका जो घर है ये गुबराड़ी और फरदड़ी गांव की सीमाओं में आता है, और जहाँ पे चाय का खोखा है, जहाँ पे फार्म है मुर्गी फार्म, वो बीसुर की सीमा के अंदर है। कत्ल भी बीसुर की सीमा के अंदर हुआ है, लेकिन जानना ये बहुत जरूरी है इन लोगों को हल्की फुल्की बच्चे की महिला की आवाज़ सुनाई थी। आप लोगों को आवाज़ आई थी? तो भाई यहाँ पे यहाँ से कोई इनपुट नहीं मिला हमें, क्योंकि ये बेचारे ये तो वैसे ही एक बीमार व्यक्ति है, सबको पता है 2-3 साल से बीमार है। ये तो गहरी नींद लेके सो रहा था और घर के अंदर ही सो रहा था, छत पे होता तो शायद इनको आवाज़ सुनाई देती। तो दोस्तों फिलहाल मैंने बीसुर से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है उस जगह से जिस जगह पर शकूनत बहन का कत्ल हुआ है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये शिनाख्त तो हो रही है कि कत्ल यहीं हुआ है, इसी सीमा में हुआ है, और जांच पड़ताल से पता चला है कि जो दो बाइक सवार रात के करीब 11 बजे इधर से बड़ी तेज गति से भागते हैं बीसुर की तरफ, शायद वही मास्टरमाइंड निकलेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि बीसुर गांव में यानी पढ़ा लिखा गांव होने के बावजूद सीसीटीवी कैमरे बहुत कम लगे हुए हैं, यानी कि जिस रास्ते से वो गुजरे हैं इस रास्ते मुझे कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नज़र नहीं आते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट, तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ विवाद आज तक के साथ।
दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।